एबीपीएस न्यूज़, एबीपीएस न्यूज़ टीम के साथ जनपद बरेली के ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद में स्थित देवचरा गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 6,800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 3 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान मनोरमा गुप्ता हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में लगभग 100 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 290 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, 10 खडंजे, प्राइमरी स्कूल की मरम्मत, रामलीला ग्राउंड की बाउंड्री तथा शमशान घाट का निर्माण भी कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 72 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 30 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 150 विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर व 5 सोलर लाइट भी वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई है तथा 30 विद्युत पोल एवं 2 ट्रांसफार्मर सरकार से लगवाने की मांग है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में खेल का मैदान, बारात घर, 11 सीसी टाइल्स रोड, 10 खडंजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 136 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 500 शौचालय के निर्माण तथा सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 6 सफाई कर्मचारी, कूड़े के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली तथा 4 कूड़ेदान उपलब्ध कराने की मांग राज्य में केंद्र सरकार से किया है। मैं ग्राम प्रधान पति बंधुआरी गुप्ता, मेरी पत्नी ग्राम देवचरा प्रधान है श्रीमती मनोरमा गुप्ता। मैंने अपने गांव में एक शमशान भूमि की बाउंड्री कराई है, शांति स्थल बनवाया है, सब स्नान बनवाया है, गेट बनवाया है और 9-10 खरंजे डलवाए हैं, रामलीला ग्राउंड की बाउंड्री कराई है और लोही आवास भी बनवाए हैं। शौचालय अभी आए नहीं है, शौचालय की मांग है मेरी 500 की, शौचालय आएंगे, सबके शौचालय भी बनवाना है गांव में और 60 साल पेंशन, विधवा पेंशन के ऑनलाइन कर रखे हैं लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं मिला है। दो बार, एक बार फार्म भरे गए थे, फिर दूसरी साल में आया कि ऑनलाइन होंगे तो ऑनलाइन भी कराया लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और मेरी ग्राम पंचायत काफ़ी बड़ी है, एक मजरा बढ़िया लगता है जिसमें ना ही कोई स्कूल है ना ही कोई बारात घर है। अगर ग्राम निधि से हटके कुछ पैसा मिल जाए मेरी ग्राम पंचायत को तो मैं मजरा बुढ़िया में बारात घर बनवाना चाहता हूँ, जो कि वहाँ की लड़की की शादी होती है वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा नाम परमेश्वर श्रीवास्तव, ग्राम देवचरा की ओर से हमारे मनोरमा गुप्ता प्रधान जी की, और जो बहुत अच्छा यहाँ का विकास हो रहा है तो आगे चलकर हम अपनी पंचायत के लिए और मांगते हैं और अच्छा विकास हो, और पानी की टंकी की भी जरूरत है भाई साहब हम लोगों को, और सफाई कर्मचारियों की जरूरत है।